हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू अबाउट प्रोनाउन। टुडे आई विल टीच यू अबाउट प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन मींस सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जांपल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मीन्स नाउन। किसी नाउन के प्लेस पर जब हम जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। नाउ सी द एग्जांपल टू मेक इट क्लियर। रीटा इज अ गुड स्टूडेंट। रीटा इज अ गुड स्टूडेंट। रीटा कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे। रीटा हैज मेनी फ्रेंड्स। रीटा ऑल्सो डांसेस वेल। नाउ स्टूडेंट्स, हियर रीटा हैज बीन यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। यहाँ पर रीटा वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है। सो डोंट यू थिंक दीज सेंटेंसेस साउंड ऑकवर्ड? मतलब इसको सुन करके आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ, मतलब ऑकवर्ड लग रहा है? इस सेंट बार बार रीटा वर्ड आ रहा है, इसे सुन करके इसका साउंड जो मैं ऑकवर्ड फील कर आ रहा है। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस अगेन। सी, रीटा इज अ गुड स्टूडेंट। शी कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे। शी हैज मेनी फ्रेंड्स। शी ऑल्सो डांसेस वेल। नाउ इन दीज सेंटेंसेज रीटा हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद शी। नाउ द सेंटेंसेज आर परफेक्ट। जब भी हम किसी नाउन का यूज बार बार करते हैं, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कराता है। इसीलिए हम एक बार जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन का, कोई नाउन आता है, किसी का नाम होता है, वो कोई नाउन आता है, और जब उसी नाउन के बारे में उस सेंटेंस में आगे भी बातें होती हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट टाइम वो नाउन को ही लिखते हैं, लेकिन उसके बाद सेंटेंस में अगर उसी की बात हो रही है तो उसके जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ताकि वो जो साउंड दे वो ऑकवर्ड फील ना करे और सेंटेंस भी देखने में सही लगे। नाउ सी मोर एग्जांपल्स। Mary is a good girl. Mary is a good girl. Here Mary is a girl. So for Mary, which pronoun will we use? We will use she. She is a good girl. Next, Tom is going to school. Here Tom is a noun and we have to write pronoun for the word Tom. Tom is a boy. जब टॉम एक लड़का है, मैस्कुलिन नाउन है, तो मैस्कुलिन नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही। मैस्कुलिन नाउन हो और सिंगुलर नंबर के नाउन है, तो वहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे। सो द सेंटेंस विल बी ही इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। हियर द वर्ड चिल्ड्रेन शोज प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। प्लूरल नंबर का नाउन शो कर रहा है चिल्ड्रन, फॉर सो फॉर प्लूरल नंबर ऑफ नाउन वी विल यूज दे। सो इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन वी कैन राइट दे आर प्लेइंग इन द पार्क। देयर आर मेनी पिक्चर्स इन द बुक। So students, in this sentence, we have to write pronoun for the word book. And book is a singular number of noun. So it will be, there are many pictures in it. It is used for the word book. She, he, they and it are used instead of names, or we can say nouns. In these sentences, she, he, they and it are used instead of
nouns. She stands for Mary. He stands for Tom. They stands for children and it stands for book. Students, there are six types of pronouns. Personal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, and possessive pronouns. Personal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, and possessive pronouns. First is personal pronouns. What is personal pronouns? Words used in place of nouns referring to persons, animals, and things are called personal pronouns. किसी भी person, animals और things के लिए जो pronoun use किए जाते हैं, that is personal pronouns. For example, I am going to play in the park. They are reading book. So in these sentences, I and they are personal pronoun. Next example is, the book is lying on the table. Pick it up. The book is lying on the table. Pick it up. Here, it is used in place of book. So it is a personal pronoun. The word it is a personal pronoun. There are three forms of personal pronouns. Students, there are three forms of personal pronouns. First person, second person, and third person. There are three forms of personal pronouns. First person, second person, and third person. Let's look this conversation between Aman and Varun. Aman is saying, I am going to the park to play. Will you come? Then, who is replying? Varun. Varun is replying, no, let us wait for Raj. Then Aman said, when will he come? Aman asked, when will he come? Varun replied, he will come at 6 o'clock. So, here I is the first person. I and we are pronouns of the first person. You is a pronoun of the second person. And he, she, it, they are pronouns of the third person. यहाँ पर I, we first person के pronoun है. You second person. He, she, it और they third person के pronoun है. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? जो बोलता है. द पर्सन हु इज स्पीकिंग, लाइक आई इज द पर्सन स्पीकिंग. सो इट इज फर्स्ट पर्सन. यू इज द पर्सन स्पोकन टू. किससे बोला जा रहा है? जो बोल रहा है वो, जैसे आई और वी वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. यू जिससे बोला जा रहा है, जैसे यू से बोला जा रहा है, तुम से बोला जा रहा है, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. और किसके लिए बात की जा रही है? ही, शी, इट, दे, जिसके लिए बातें की जा रही हैं, दैट इज थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन. वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Words used for nouns to point out the object. Demonstrative pronoun ऐसे pronouns हैं जो कि किसी object को point out करते हैं. Like this, that, these, those, etc. See, this is my book. That is her house. This is a pen. Those are books. So in these sentences, the words this, that, these, and those are demonstrative pronoun. Next,
interrogative pronoun. An interrogative pronoun is a pronoun which is used for asking a question. An interrogative pronoun is a pronoun which is used for asking a question. Interrogative pronoun वे pronoun हैं जो question पूछने के लिए use किए जाते हैं. ऐसे words जो question पूछने के लिए use किए जाते हैं, that is interrogative pronoun. For example, who, what, which, whose, whom. Who took my bag? Whose book is this? Who has come to meet me? What is the matter? Whom do you want to meet? In these sentences, the words who, what, whom and which are interrogative pronouns. Next is reflexive pronoun. Words used for nouns to express functions relating to. Words used for nouns to express functions relating to. ऐसे words जो किसी nouns के जो functions है उससे relate करते हों. That is reflexive pronoun. For example, who, which, that, whose, whom, etc. The man who entered the room was my friend. The man who entered the room was my friend. वो आदमी जो मेरे रूम में प्रवेश किया वो मेरा दोस्त था. Next, the book that I bought is very costly. The book that I bought is very costly. जो मैंने बुक खरीदी वो बहुत ही कॉस्टली है. सो इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड्स हु एंड दैट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फर्स्ट सेंटेंस में हु किसके लिए आया? द मैन के लिए. ये द मैन नाउन से रिलेट कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में दैट है वो किससे रिलेट कर रहा? द बुक, बुक से रिलेट कर रहा है. The man who entered the room, the book that I bought. So, ये दोनों words क्या हैं? Reflexive pronouns हैं. Emphatic pronoun. An emphatic pronoun is used with a noun or pronoun to draw attention or just to emphasize. An emphatic pronoun is used with a noun or pronoun to draw attention or just to emphasize. Emphatic pronoun ऐसे pronouns होते हैं जो किसी noun या pronoun के लिए attention खींचने के लिए noun या pronoun के साथ use किए जाते हैं. Noun और pronoun के साथ use किए जाते हैं emphatic pronoun. किस लिए? किसी का attention खींचने के लिए emphatic pronoun का use किया जाता है. ये या कह सकते हैं कि emphasize means जोर डालना, किसी भी चीज़ पर जोर डालने के लिए यूज़ किया जाता है emphatic pronoun का. फॉर example, myself, ourselves, yourself, himself, herself. Emphatic pronouns always end in self or selves. Emphatic pronouns हमेशा self और self से end होते हैं. And the last one is possessive pronouns. Possessive pronouns show ownership. Possessive pronouns show ownership. Possessive pronouns ownership means possession show करता है. Possession किसी का स्वामित्व दर्शाता है. Possessive pronoun स्वामित्व को दर्शाता है. Possessive pronouns don't use apostrophe to show possession. Possessive pronouns don't use apostrophe to show possession. किसी का स्वामित्व या belongings दर्शाने के लिए, show करने के लिए apostrophe का use नहीं किया जाता है.
The possessive pronouns are mine, his, theirs, ours, yours and hers. ये सारे possessive pronouns के example हैं।